जिला कांगड़ा के दो दिवसीय दौरे के दौरान लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य ने अपने नूरपुर व इंदौरा क्षेत्र का दौरा करके गुरुवार फतेहपुर पहुंचे। यहां स्थानीय विधायक भवानी सिंह ने अपने समर्थकों के साथ उनका स्वागत किया। तदुपरांत मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने लोक निर्माण विभाग के कांगड़ा व चंबा के जिला स्तर के सभी अधिकारियों के साथ रिव्यू बैठक करके क्षेत्र में चल रहे कार्यों का जायजा लिया व नए कार्यों पर चर्चा की। इस मौके पर स्थानीय विधायक के साथ एक चीफ इंजीनियर, 3 अधीक्षण अभियंता, 20 अधिशासी अभियंता के साथ 40 के करीब सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियंता मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते विक्रमादित्य ने कहा कि आज फतेहपुर में कांगड़ा व चंबा के अधिकारियों की रिव्यू बैठक रखी गई थी, जिसमें क्षेत्र में चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि विकास की गति में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि मंडल क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान किया जाएगा व जल्द ही प्रदेश के मुख्यमंत्री संबंधित विधानसभा क्षेत्र में आएंगे व विशेष पैकेज का ऐलान करेंगे। फतेहपुर से विजय समयाल की रिपोर्ट। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे विश्वास है कि जो स्थानीय प्रशासन है और विधायक हैं वो निश्चित तौर से इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, और अगर इस तरीके की कोई जगह है तो मैं भी इस चीज़ का संज्ञान लूँगा। मैं जो हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट है उससे बात करेंगे कि वहाँ पे इमिडिएटली इलेक्ट्रिसिटी को रिस्टोर किया जाए। वहाँ पे अगर कोई नए आपके जो है ट्रांसफॉर्मर्स लगने हैं या अगर लो वोल्टेज है, जो भी डैमेज हुआ है उसको इमिडिएटली रिस्टोर किया जाए। जो भी वहाँ के रिलीफ मेजर्स हैं उनको लिया जाएगा, और आरएनआर के तहत वहाँ के लोगों का पूरा समर्थन पहले भी किया गया है और आगे भी किया जाएगा। सर, लोग वहाँ कंडवा सड़क से आ रहा था तो मैंने बिल्कुल जहाँ जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट्स हैं डंगे लगाने की या कोई सेफ्टी मेजर्स की है या कंसर्न वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम पड़ रही है तो उस पर जो भी एक्शन लेना है उसके लिए मैंने हमारे जो कंसर्न एससी है और कंसर्न हमारे एक्सीएंस है उनको उसमें निर्देश दिए हैं। थोड़ा बजट का निश्चित तौर से समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है, फंड कॉन्स्ट्रेंट्स है प्रदेश में, मगर फिर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि मिलकर प्रदेश को और खास करके इस क्षेत्र में जो डैमेजेस हुए हैं वापस उसको रेस्टोरेशन की ओर ले जाने का प्रयास करें। कि वहाँ के विधायक स्थानीय विधायक है आदरणीय मनिंद्र राजन जी, उन्होंने उस विषय को मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा है और जो पैकेज दिया गया है वो तो पूरे प्रदेश के प्रभावित परिवारों को दिया गया है, मगर निश्चित तौर से क्योंकि इस इलाके में बहुत नुकसान, मैंने खुद भी कल देखा कि बहुत लोगों का जो धान की खेती है या और वहाँ का जो वहाँ की उपज है वो पूरे तरीके से जो है वो नष्ट हो गई, तो इसके लिए निश्चित तौर से हालांकि इसका जो क्रॉप असेसमेंट है डैमेज है उसके लिए जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसके ऊपर उसका असेसमेंट कर रहा है, कार्य उस पर किया जा रहा है, मगर फिर भी मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी उस क्षेत्र का पूरा खास ख्याल रखेंगे और जो भी वहाँ के बागवानों को वहाँ के किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका संज्ञान लेते हुए पूर्ण समर्थन सरकार की ओर से वहाँ दिया जाएगा। मगर मैं फिर से इस चीज़ को दोहराना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार से जो हमको मदद मिलनी चाहिए थी इस कठिन परिस्थिति में, इस कठिन समय में, वो हमको नहीं मिली, जिसकी वजह से हम जितना मदद प्रदेश के लोगों की करना चाहते थे, सरकार चाहती थी, उसमें हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हमने एक सर्वसम्मति से 12,000 करोड़ रुपए का विधानसभा के अंदर जो है पैकेज लाने के लिए विशेष सत्र बुलाया, उसमें भाजपा के लोगों ने उसका समर्थन नहीं किया। मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उनको इस समय राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, मगर उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया। नेता प्रतिपक्ष को आदरणीय जयराम ठाकुर जी को इसकी जवाबदेही लोगों को देनी पड़ेगी कि जब इस तरीके का विशेष पैकेज केंद्र सरकार से मांगा जा रहा था तो भाजपा ने उनका समर्थन और सरकार का समर्थन इस समय क्यों नहीं किया, ये एक बड़ा सवाल है जिसकी उत्तर पूर्व मुख्यमंत्री जी को लोगों के बीच में जाके देना पड़ेगा। दौरा था और हमने यहाँ के जो विकासात्मक कार्य सरकार द्वारा और खास करके मेरे विभाग द्वारा करवाए जा रहे हैं, हमने एक रिव्यू भी लिया है और धरातल पे भी उन कार्यों को देखने का प्रयास किया जा रहा है। उसी चरण में आज हमने PWD की कांगड़ा सर्कल की बैठक, कांगड़ा जोन की बैठक यहाँ पे आयोजित करी, जिसमें हमारा चंबा से लेकर पूरा कांगड़ा के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के जो विकास कार्य है उसकी एक पूरा ब्यौरा डिपार्टमेंट द्वारा रखा गया है। उसमें जो विकास कार्यों में कुछ कमी आ रही है या कुछ समस्याएं आ रही है उसके उसकी भी जानकारी हमने प्राप्त करी है और उसको
हम उसका निपटारा करने का पूरा प्रयास करेंगे। जो जो विषय मुख्यमंत्री से उठाने के हैं तो उनसे उठाएंगे, और जो केंद्र सरकार से उठाने के हैं वो उनसे उठाएंगे, ताकि यहाँ के विकास कार्यों को गति देने में हम पूरा अपना योगदान दे सकें। अभी PMJSY 3 के कार्य प्रदेश के अंदर शुरू होने जा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि हिमाचल में करीबन 2600 किलोमीटर सड़कें के अपग्रेडेशन का कार्य प्रदेश के अंदर होने जा रहा है, और करीबन 3000 करोड़ रुपए इसके लिए प्रदेश को केंद्र सरकार से एक फेज्ड मैनर में मिलेंगे, और इसका कार्य प्रदेश के अंदर होगा। खास करके बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की सड़कों के उद्धार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तो इसकी हम पूरी तरीके से जो है रूपरेखा बांधे हुए हैं। इसके अलावा हमने पिछले कल जो है वो मंड क्षेत्र का भी दौरा किया, जहाँ पे बहुत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र था, और वहाँ पे पूरी रफ्तार के साथ डिपार्टमेंट और जो सभी सरकार का प्रशासन वहाँ पे रेस्टोरेशन का कार्य कर रहा है। आज कुछ हमारे जो फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के इलाके हैं, यहाँ के माननीय विधायक आदरणीय श्री भवानी सिंह पठानिया जी के साथ यहाँ के जो अफेक्टेड एरियाज है वहाँ का दौरा भी करेंगे। जो दिशा निर्देश विभाग को देने हैं वो भी दिए जाएंगे, ताकि मजबूती से यहाँ के कार्यों को गति मिले। और मुझे खुशी है ये बात कहते हुए कि इस विधानसभा क्षेत्र में करीबन 40 करोड़ रुपए के विकास कार्य हमारे विभाग द्वारा जो है वो कार्यरत है, जिसमें कुछ PMJSY के कार्य हैं, कुछ हमारे नबार्ड के कार्य हैं, और अभी हाल ही में एक यहाँ पे ब्रिज का भी CRF के तहत करीबन 105 करोड़ रुपए का 800 मीटर स्पैन का ब्रिज, इसका भी स्वीकृति केंद्र सरकार से मिली है। इसकी भी सभी औपचारिकताएँ बहुत जल्द पूरी करवा दी जाएगी, और जल्द ये जो इसका कार्य भी शुरू करवाया जाएगा, ताकि एक जो बड़े लंबे समय से इस क्षेत्र की एक डिमांड थी, जो आपको पूरे डैम के ऊपर से घूम कर आना पड़ता था, उससे एक ये जो है एक शॉर्टकट इस ब्रिज के माध्यम से मिलेगा, एक राहत इस क्षेत्र के लोगों को मिलेगी, और इंदौरा के और इस इलाके के लोग उससे जो है लाभान्वित होंगे। उसके लिए भी मैं इस क्षेत्र के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। बाकी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।